नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं रूपिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। सुबह करीब 10:30 बजे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गोवा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने पुतिन की आगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को पुराना साथी बताया। पीएम मोदी ने रूस की पुरानी कहावत का जिक्र किया, कहा एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर है। Russia's understanding and support of our actions to fight cross-border terrorism that threatens our entire region. We both affirm the need for zero tolerance in dealing with terrorists and their supporters. ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विदेश सचिव ने बताया कि रूस ने उरी हमले की निंदा की। भारत और रूस के बीच 16 समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस, साइंस और रिसर्च से जुड़े कई सेक्टरों पर समझौते हुए। गैस पाइपलाइन, हरियाणा में स्मार्ट सिटी और जहाज निर्माण पर भी समझौते हुए। भारत और रूस ने KA-226B हेलीकॉप्टर्स के ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। मोदी ने कहा कि रूस हमारा अनोखा मित्र है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। आज गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी से मिले। दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। वहीं इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमर, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गोवा पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से पारंपरिक डांस पर सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। भारत में इस बार 8वां सम्मेलन हो रहा है। 2009 में रूस में पहला सम्मेलन हुआ था। शुरुआत में ये चार देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन का समूह ब्रिक्स था। 2010 में साउथ अफ्रीका के सदस्य बनने के बाद ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स के सदस्य देशों में दुनिया की 43% आबादी रहती है। दुनिया की GDP का 37% हिस्सा ब्रिक्स के देशों का है। ब्रिक्स के बाद कल बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री भी गोवा पहुंच गए हैं। वाराणसी में आज एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मची, मरने वालों की संख्या अब 24 हो गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि भगदड़ का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। राजघाट पुल पर सुबह से जय गुरुदेव के अनुयायी पैदल मार्च कर रहे थे। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के शाकाहारी जागरूक सत्संग समागम के लिए सिर्फ 3,000 लोगों को जुटाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन 80,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। पुल टूटने की अफवाह के बाद भीड़ बेकाबू हो गई, जिस वजह से भगदड़ मच गई। वापस धक्का दिया तो धक्का देने से लोग भी पड़ गए, पढ़ने से लोग बाग, हम भी पड़ गए, सब पड़ गए, हमारी औरतें भी पड़ गई, सबको सब छीत लिया, कोई सेवा करने वाले वहाँ थे नहीं। मतलब दो आदमी एकदम अभी न पता है, मिला ही नहीं रहे, फिर उसके बाद या मरे होंगे या न पता। लगभग इस समय भीड़ 3 लाख के ऊपर। ये जांच का विषय है, इसमें जांच कराई जाएगी और कि क्राउड कंट्रोल के क्या इंतजाम थे वहाँ पे, किसकी कहाँ पे चूक हुई, ये जाँच के बाद क्लियर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। जय गुरुदेव संस्थान का कहना है कि पुलिस ने पुल के दूसरे हिस्से से लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया, जिस वजह से लोगों को लगा कि पुल टूट गया है। यूपी सरकार ने घटना के मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। पीएम मोदी ने मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को मुफ्त इलाज देने की बात कही। घायलों को वाराणसी और चंदौसी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने कहा है कि आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि बिना इजाजत इतनी भीड़ इकट्ठी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी हादसे पर दुख जताया।
पीएम ने ट्वीट किया, वाराणसी में भगदड़ की वजह से लोगों की मौत पर बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के लिए शोक व्यक्त करता हूँ और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। मैंने अधिकारियों से बात की है और भगदड़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए कहा है। पुलिस प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की घोर लापरवाही का परिणाम है। वहाँ पर पूरे मुकम्मल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था के इंतजाम करना चाहिए था। सरकार का जो दायित्व है इस वक्त, सभी वरिष्ठ जितने भी अधिकारी हैं वो लोग सब वहाँ पे घटना स्थल पे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री और उनके परिवारजन अपने लड़ाई में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश जनता बहुत परेशान है। 10 अगस्त 2015 को झारखंड के देवघर में मंदिर में दर्शन के दौरान मची भगदड़ की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में गोदावरी पुष्कर मेले के दौरान मची भगदड़ में 22 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 25 अगस्त 2014 को एमपी के सतना के कामतानाथ मंदिर में भगदड़ से 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 20 घायल हुए। 10 फरवरी 2013 को कुंभ मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 36 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर 2013 में एमपी के दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर में भगदड़ से 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। भगदड़ के बाद पूरे शहर में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दुबई जाने की कोशिश कर रहे मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को आज दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया, हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 200 करोड़ के हवाला केस में मोइन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। ईडी के अधिकारियों ने मोइन कुरैशी से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। मोइन कुरैशी करोड़ों का काला धन छिपाने और हवाला केस में इनकम टैक्स और ईडी की जांच के घेरे में है। पिछले साल फरवरी में मोइन के 5 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी थी और पूछताछ की थी। पिछले साल उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। मोइन पर हवाला के जरिए बड़ी रकम दुबई, लंदन और यूरोप भेजने का आरोप है। यूपी के रामपुर से मीट कारोबार की शुरुआत करने वाले मोइन की गिनती नामी मीट एक्सपोर्टर्स में होती है। पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के घर की विजिटिंग डायरी में 90 से ज्यादा बार मोइन का नाम था। सुनंदा पुष्कर के मर्डर की जांच में सामने आया था कि 2013 में ब्लैकबेरी मैसेज के जरिए दोनों की बात हुई थी। 20 करोड़ रुपए की इनकम छुपाने के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मोइन कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज किया था, हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात रवाना हो गई है। दिल्ली के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह पर बिल्डर से वसूली का आरोप है। कल द्वारका कोर्ट ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वारंट की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। वहीं विधायक के भाई ने कहा वो खुद 18 अक्टूबर को सरेंडर कर देंगे। मॉर्निंग में एक बंदा आया था पुलिस वाला और वो उनसे, मेरे फादर से जो एमएलए साहब के फादर हैं उनसे लिखित रूप में लेके गए हैं कि फादर ने कहा कि भाई 18 तारीख को पेश हो जाएंगे यहाँ पे थाने में आके। अभी तक एएपी के 13 विधायकों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। 14 अक्टूबर को विधायक नरेश बालियान को मारपीट के केस में गिरफ्तार किया गया। 22 सितंबर को विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 6 सितंबर को आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक संदीप कुमार को अश्लील वीडियो मामले में गिरफ्तार किया। महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 जुलाई और 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। गुलाब सिंह आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी और रविवार को पार्टी की रैली के चलते इस वक्त गुजरात के सूरत में है। जखूरा हमले में शहीद हुए एसएसबी जवान को आज श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर के पास जखूरा में कल आतंकियों के हमले में शहीद हुए एसएसबी के जवान घनश्याम गुर्जर को सेना के अधिकारियों ने आखिरी सलामी दी। शहीद जवान राजस्थान के दौसा का रहने वाला था। आतंकवादियों ने कल सशस्त्र सीमा बल की उस गाड़ी पर गोलीबारी की थी जो ड्यूटी करने के बाद जवानों को कैंप में लेकर लौट रही थी। कल मिलिटेंट अटैक में मारे गए एसएसबी के जवान को आज यहाँ रीत सरमनी दी जा रही है और यहाँ पर तमाम एसएसबी के जो आला अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। डीजी एसएसबी यहाँ पहुँची है, एडीजी एसएसबी, इसके अलावा तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी डीजीपी। 3 कंपनीज थी वो अपनी ड्यूटी करके लौट रही थी, 6 गाड़ियों में थे ये लोग और फिर एकदम से
ये आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें हमारे जवान घायल हुए और एक ने बाद में दम तोड़ दिया। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा हुई। बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में बंद बुलाया था। कश्मीर में पिछले 98 दिनों से कर्फ्यू और बंद का दौर जारी है। 8 जुलाई के बाद से अब तक 92 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। हमले की जिम्मेदारी उमर मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने ली है। पाकिस्तान के पश्तून कबीले के हजारों लोग अफगानिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमलों से बचने के लिए पश्तून आबादी के एक बड़े हिस्से ने अफगानिस्तान के खोस्त में शरण ली है। लोगों के मुताबिक बिना चेतावनी के कई इलाकों में बमबारी की गई। पश्तूनों को पठान भी कहा जाता है। इसमें पश्तो भाषा बोलने वाले करीब 60 कबीले शामिल हैं। पश्तून अफगानिस्तान सीमा के करीब रहते हैं जिसको तालिबान का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान की सेना तालिबान के बहाने लगातार इनके इलाकों को निशाना बनाती रहती है। 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर तहरीके तालिबान के हमले के बाद से पश्तूनों पर पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 20 लाख पश्तून आबादी रहती है। ग्वालियर में पानी को लेकर हुए झगड़े में फायरिंग हुई, 3 लोग घायल हो गए। ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में खून से लथपथ हालत में पहुंचाए गए लोगों का झगड़ा सिर्फ इस बात को लेकर शुरू हुआ था कि उनके घर के बाहर पड़ोसियों ने पानी फैला दिया था। बात इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी के बेटे ने फायरिंग कर दी। उतर गए पानी का हेल्थ, मैंने कहीं नहीं है तो जी आई उतर के जाने पत्थर मारा, फिर मैंने उठाओ बांस, मैंने बांस और से जाने देना है जी नौ चला जी बार पकड़ लाए। तो मेरी मम्मी है मारा तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी तो पूरा तब मेरा मोड़ा बंदूक निकाल के लाओ, मैं तो कह रहा हूँ सत्य, मैं झूठ नहीं बोलाऊंगी। विवाद हुआ और उस विवाद में रुद्र भार्गव ने इनको गोली मार दी है। तो एक आदमी के गले में लगी है गर्दन में गोली, वो सारा हॉस्पिटल में मरती है और इसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। घटना ग्वालियर के मधुगंज इलाके की है। फायरिंग के बाद से आरोपी युवक फरार है। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वैसे पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है।